ऐसे ठीक है, तुम चालू कर दो। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर 7। चैप्टर 7 का नाम है इंटीग्रल्स। जैसे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और सबसे ज़्यादा मार्क्स का ये चैप्टर मुझे आता है, काफ़ी मार्क्स का आएगा। तो जो भी मैं आपको बेसिक इसके फॉर्मूले बताऊंगा उनको लर्न करना, और हम वन शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। आज मैं 7.1 और 7.2 फिनिश करूँगा, तो अच्छे से आप देखना। सबसे पहले इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है, साइन होता है, उसे ऑपरेटर बोलते हैं। वो इस तरीके से होता है, ठीक है। और इसमें ना प्लस सी यूज़ करते हैं हम। प्लस सी जो आता है इसमें उसे बोलते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल्स। तो पहले हम बेसिक फॉर्मूलों की बात करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला आपका होगा एक्स की पावर एन, तो एक्स की पावर एन डी एक्स। तो ये होगा एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। और सेकेंड, अगर डी एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना हो, ओनली डी एक्स का, तो वो क्या होगा, एक्स होगा, एक्स प्लस सी। जब आप क्वेश्चन करोगे ना, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थर्ड क्वेश्चन होगा, थर्ड होगा साइन एक्स, साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का कोस एक्स प्लस सी। ऐसी फोर्थ क्या होगा, कोस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। फिफ्थ की अगर हम बात करते हैं, आएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स, टेन एक्स प्लस सी कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या होगा, माइनस का कोट एक्स प्लस सी। सेवन में देखना, अगर सेक एक्स टेन एक्स का आपसे इंटीग्रेशन पूछा जाता है, सेक एक्स टेन एक्स का, तो देखो जो आगे लिखा हुआ है ना, ये जो आगे लिखा हुआ है यही हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। एक आता है कोसेक एक्स कोट एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखो आगे क्या लिखा है, कोसेक एक्स, तो वही लिखना है, बट साइन लगाना है आपको माइनस का। इस बात का ध्यान रखना, साइन आपको वहाँ माइनस का यूज़ करना है। अगर इस तरीके से आता है वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। और अगर इसी फॉर्मूले में आप यहाँ पर माइनस यूज़ करते हो वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। माइनस यूज़ करेंगे, सेम फॉर्मूला है, माइनस बस आ गया तो कोस इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। इलेवन फॉर्मूला देखेंगे बच्चे यहाँ पर, अगर वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ट्वेल्व फॉर्मूले में वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। देखो यहाँ पर माइनस आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। थर्टीन फॉर्मूला क्या होगा, वन अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। फोर्टीन, अगर एक्स रूट, देखो सेम फॉर्मूला है बच्चों, बस यहाँ पे क्या लगा दोगे, माइनस, तो क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स माइनस सी, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, सॉरी माइनस नहीं प्लस, तो यहाँ डी एक्स जरूर लगाना, ठीक है। 15 की अगर हम बात करते हैं, एक होता है ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स डी एक्स क्या होगा, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग बेस ई ए प्लस सी। 16 होगा वन अपॉन एक्स डी एक्स, वन अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, वन अपॉन एक्स, यहाँ पर देखते हैं, जो 16 है वन अपॉन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, लॉग एक्स प्लस सी। और 17 है ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स डी एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ई की पावर एक्स प्लस सी। ई की पावर एक्स का ना, ई की पावर एक्स ही रहेगा। तो इतने ही फॉर्मूले हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज 7.1 में यूज़ होने वाले हैं। 7.1 में इनको यूज़ करने के बाद पूरे चैप्टर में ये फॉर्मूले बीच बीच में यूज़ होंगे, इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ये बेसिक फॉर्मूले हैं। अगर आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके काम आएंगे। अगर आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सभी फॉर्मूले आपके सामने, इनको याद करना। मैं एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करूँगा। इन फॉर्मूलों को सभी याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि इन्हीं पे ही डिपेंड है चैप्टर 7। और एक्सरसाइज 7.1 में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए निकाले हुए हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करना, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर ला सको। तो देखो बच्चों,
अब जो मैंने आपको लिखवाए थे ना फॉर्मूले, 7.1 एक्सरसाइज करते हैं हम। एक्सरसाइज 7.1 देखो, इसमें लिखा है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो जो पहला क्वेश्चन है ना बच्चों, ये कह रहा है कि इनको डेरिवेटिव करना है आपको, इंटीग्रल करना है इनका। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, साइन 2x। तो अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे, इस तरीके से। इसको मैंने साइन 2x और dx लिखा है यहाँ पे। तो ध्यान से देखना बच्चों, बच्चों कुछ काम आ गया था, आ जाओ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, साइन 2x dx। देखो ध्यान से, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। तो साइन, देखो अभी मैंने आपको लिखवाया था फॉर्मूला कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस कोस एक्स। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे जो एक्स है ना उसका वर्क कौन कर रहा है, 2x कर रहा है। तो पहले देखो साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस का कोस एक्स, ठीक है, इतना करा। लेकिन जो मेरा एक्स है वो क्या है यहाँ पे, 2x। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 2x लिखूँगा। और इतना करने के बाद ना अपोन में आपको 2 लिखना है। अपोन में 2 क्यों आया मैं बताता हूँ आपको। देखो एक्स का जो कोफिशियंट होता है यहाँ पे, एक्स का कोफिशियंट क्या है, 2। यानी एक्स का जो भी डिजिट होगी, जो भी नंबर होगा, वो उसका कोफिशियंट होता है, वो नीचे आ जाएगा अपोन में। बस ये जरूर देखना है आपको, प्लस सी, बस यही इसका क्या था आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम इसके पास इसके बाद देखेंगे थर्ड। अब हमें e की पावर 2x का इंटीग्रेशन करना है। तो अगर आपको फॉर्मूले याद हो, मैं साथ साथ बता भी रहा हूँ, e की पावर x का ना इंटीग्रेशन बच्चों e की पावर x ही था, ठीक है। तो देखो e की पावर x का, तो e की पावर x ही होगा। लेकिन अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो x का कोफिशियंट होगा वो कहाँ पर आएगा, नीचे। ये बात आपको याद रखनी है, x का जो कोफिशियंट है वो नीचे आएगा, प्लस सी आंसर। अब हम देखते हैं इसमें और कौन सा, फिफ्थ क्वेश्चन। बच्चों मैं आपको ना जो एग्ज़ाम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये करा रहा हूँ, तो इन्हीं की ही प्रैक्टिस करो, आप पास हो जाओगे अच्छे नंबरों से। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x। तो मैं इसको पहले इंटीग्रेशन में लिखता हूँ इस तरीके से, साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x। हम ना इसको i के इक्वल भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहो तो। इंटीग्रेशन होता है इसका मतलब भी, i के इक्वल भी हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ना इसको इस तरीके से लिखो, ये हो गया dx, ये पूरा क्वेश्चन बन गया आपका। अब देखो मैं ना इनको अलग अलग कर रहा हूँ, साइन 2x dx को मैंने अलग किया, माइनस 4e की पावर 3x को dx को मैंने अलग किया, मुझे सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो ध्यान से देखना, साइन 2x तो मैं ऊपर कर चुका हूँ भाई, साइन 2x मैंने यहाँ पे कर चुका हूँ, तो बिल्कुल ये जो आएगा ना यहीं पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आंसर, कोस 2x अपॉन 2। अब जो मुझे करना है, मुझे 4e की पावर 3x का करना है, तो 4 कहाँ पर आ जाएगा, बाहर, और e की पावर 3x का मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंटीग्रेशन। तो मैं यहाँ लिखता हूँ थोड़ा सा ऊपर, तो देखेंगे सभी, ये तो फॉर्मूले थे। यहाँ देखो माइनस कोस 2x अपॉन 2 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 4, देखो e की पावर 3x मैंने बताया था, e की पावर x का e की पावर x ही होगा, तो e की पावर 3x का e की पावर 3x ही होगा, बट x का जो कोफिशियंट है वो नीचे आ जाएगा, इतना आपको करना है, प्लस सी। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोस माइनस का 4 अपॉन 3, e की पावर 3x प्लस सी, ये हो गया आंसर। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया, उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ रहा होगा। सेवन पॉइंट वन के सभी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। क्वेश्चन देखो बच्चों, 7 देखेंगे अब, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 है एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर dx। अब इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो इसको कैसे करेंगे, देखो थोड़ा सा माइंड यूज़ करना, एक्स स्क्वायर के ना अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर की 1 में करेंगे एक्स स्क्वायर ही आएगा, फिर से एक्स स्क्वायर की 1 में मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर आएगा, और एक नीचे एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है,
तो क्या हो गया ये डी एक्स, इससे इसे क्या कर दिया हमने कैंसिल, तो वन आ गया यहाँ पे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन ये आ गया मेरे पास। इन दोनों को अलग अलग लिखो, एक्स स्क्वायर डी एक्स को अलग किया मैंने, माइनस वन डी एक्स को अलग किया। देखो ये है एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन क्या थी, एक्स की पावर एन प्लस वन, तो एन यहाँ पे कौन है दो, यानी टू प्लस वन, और फिर से नीचे क्या होता है एन प्लस वन, तो टू प्लस वन, और वन डी एक्स हो या खाली डी एक्स हो उसका इंटीग्रेशन क्या था एक्स था प्लस सी, तो टू और वन कितना हो गया थ्री, अपोन में भी क्या है थ्री, माइनस एक्स प्लस सी, ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन के बाद है क्वेश्चन नंबर टेन, तो टेन अच्छा क्वेश्चन है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। रूट एक्स माइनस का वन अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या है डी एक्स। देखो ध्यान से देखना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, तो क्या होगा बोलो, खोल दो आइडेंटिटी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, इसको मैंने इतना इस तरीके से ऐसे खोल दिया, ओपन कर दिया मतलब फॉर्मूले को। अब देखो, अब देखना बच्चों, स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल, तो यहाँ पे देखते हैं, देखो भाई स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो गया कैंसिल हो गया, वन का स्क्वायर क्या होगा वन होगा, और ये क्या है रूट एक्स, जैसे यहाँ पे ना स्क्वायर वन का स्क्वायर तो वन हो गया, ऐसे ये वाला स्क्वायर ना इस रूट को कैंसिल कर देगा जैसे यहाँ पे किया था, तो नॉर्मली क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स आ जाएगा, यहाँ पे रूट एक्स से रूट एक्स क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई में और अपोन में भी है तो कैंसिल हो गए, तो रूट टू की खाली टू की इंटू वन में करो, टू वन या टू, इतना मेरे पास ये क्वेश्चन बन गया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर जैसे हमने ओपन किया ये रिजल्ट मेरे सामने आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया, इनको अलग अलग कर दो, एक्स डी एक्स को अलग कर दो, वन अपॉन एक्स डी एक्स को भी अलग किया, और टू डी एक्स, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है ना बच्चों, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती समझो वहाँ पे क्या होता है वन होता है, तो एक्स की पावर एन बन गया, तो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, एन का वर्ग भी वन कर रहा है, ये वाला वन तो आता ही है फॉर्मूले में, वन अपॉन एक्स का क्या होता है लॉग एक्स, आपको बताया था ना वन अपॉन एक्स का क्या होगा फॉर्मूले में लिखवाया होगा, वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है माइनस टू, टू तो बाहर आ गया अंदर क्या बचेगा डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर टू अपॉन में भी क्या है टू, ये हो गया लॉग एक्स। मैंने क्या बताया था आपको कि डी एक्स का फॉर्मूले में जाओ देखो डी एक्स का क्या होगा एक्स होगा प्लस सी आंसर, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आएगा थर्टीन, तो थर्टीन क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट करता हूँ मैं, देखो क्या है थर्टीन, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, इसको मुझे सोल्व करना है, तो ध्यान से देखना बच्चों, इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है एक्स स्क्वायर, अब इन दोनों में ना एक्स स्क्वायर कॉमन था, तो यहाँ पे कितने थे तीन थे, तो दो तो बाहर आ गए, तो एक कहाँ बचेगा अंदर, भाई क्यूब था ना ये, क्यूब में से स्क्वायर बाहर आ गया, तो एक तो बचेगा वो कहाँ पे आ गया अंदर, अभी एक्स स्क्वायर तो बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा वन, भाई ये पूरा कंप्लीट बाहर आ गया ना, तो क्या बचेगा अंदर, इसके प्लेस पे वन बचेगा, और आगे वाला तो है ही आपका ऐसे, इतना कर लिया। अब देखो इतना करने के बाद ना थोड़ा रफ कर लेते हैं, यहाँ पे होगा ये, देखो इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, इस x माइनस वन को एक बार तो लिखना है इसके नीचे और एक बार लिखना है इसके नीचे, ठीक है इतना आपको करना है, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ क्या बचा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या बचा वन, ठीक है इतना करने के बाद अब इसको अलग अलग कर लो, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वन डी एक्स, फिर से देखो x की पावर n क्या होगा फॉर्मूला, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, माइनस वन डी एक्स का तो x ही होगा प्लस c, तो ये क्या हो गया x की पावर थ्री अपॉन थ्री माइनस x प्लस c, ये हो गया आपका आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मुझे ये पूरा रफ करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा ना लेंथी है। क्वेश्चन नंबर देखो 15 देखना बच्चों। रूट एक्स अपॉन में मतलब इंटू में 3x² प्लस 2x + 3dx। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहली बात तो रूट को हम लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। किसी की पावर अगर 1/2 है समझ जाओ वो रूट होता है। अंदर वाला सेम अभी ऐसे ही लिखो। अब मैं इस 1/2 को अंदर लेके जा रहा हूँ तो ये 3 के पास जाकर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 के पास जाकर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 3 के पास भी आ चुका है, ठीक है। पूरा क्या हो जाएगा ये dx। अब यहाँ समझने वाली बात है, देखो इस चीज़ को मैं यहाँ रफ में बता रहा हूँ। देखो x² मल्टीप्लाई, यहाँ देखना x² मल्टीप्लाई x^1/2। आपको पता है ना मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है प्लस, पावर क्या हो जाती है प्लस। अब देखो 2 2 जो 4, 4 + 1/2 यानी क्या हो जाएगा 5/2, यानी इस पूरे का जो रिजल्ट है ये आ गया 5/2। यहाँ पे आप देख सकते हो तो 3x^5/2 प्लस। अब देखो इसको तो मैं फिर से अलग से कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे x^(x^1/2) का मैंने अलग से लिखा, इसके ऊपर क्या पावर है 1 1 पावर है। जब मल्टीप्लाई का साइन हो और नीचे का बेस सेम हो वो आता है 1 टाइम, और पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई में प्लस। 2 1 जा 2 + 1/2, भाई 2 1 जा 2 + 1 तो ऐसे ही रहेगा। अब ये 2 1 में प्लस कर दो क्या आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो x^3/2, और देखो ये x^1/2 है, मैंने क्या बताया था x^1/2 को ही हम क्या बोलते हैं रूट बोलते हैं, तो 3√x, 3√x हो गया ये, ठीक है। और इसे पूरे को हमने ऐसे लिखा। अभी हमने पता क्या किया है बच्चों, अभी हमने अंदर ना रूट एक्स की मल्टीप्लाई की है, इंटीग्रेशन नहीं किया अभी हमने, इंटीग्रेशन तो अब होगा। देखो अब इनको अलग अलग लिखो, 3x^5/2 dx अलग कर दिया मैंने, 2x^3/2 dx को अलग लिखा, तीनों को मैंने अलग अलग कर दिया। अब इनका करेंगे देखना, इसको देखना, इसको 3 तो आ गया बाहर तो अंदर क्या बचा, ये 2 तो आ गया बाहर, अंदर क्या बचा x^3/2 dx। 3 तो आ गया बाहर, अंदर क्या बचा x^, देखो मैंने यहाँ रूट एक्स लिखा है ना इसको, आप इसको 1/2 ही लिखो क्योंकि 1/2 ही लिख के सोल्व होगा ये आगे, तो हम इसे ना यहाँ पे 1/2 ही लिख देते हैं। चाहो तो आप यहाँ रूट था यहाँ 1/2 लिख दो दोबारा से, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो ध्यान से, अब ये x^n है तो क्या होता है उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x^(n+1)/(n+1), ये 3 क्या है मल्टीप्लाई में प्लस का साइन। इसी प्रकार यहाँ देखो x^(n+1)/(n+1), x^ फिर से n, तो x^(n+1)/(n+1), और प्लस सी लगा दो यहाँ पर। अब देखो बच्चों यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना, 2 1 जा 2 और ये 2 5 में ऐड होएगा तो 7/2 बनेगा ये कंप्लीट, क्या बनेगा नीचे वाला भी क्या बन जाएगा 7/2, क्योंकि जो ऊपर है वही तो सेम नीचे है प्लस 2 2 1 जा 2 और ये 2 + होगा 3 में तो कितना बनेगा 5/2, और नीचे वाला भी 5/2, 3 मल्टीप्लाई देखो 2 1 जा 2, ये 2 1 में प्लस होगा तो क्या बनेगा x^3/2, और नीचे भी क्या है 3/2 प्लस सी। अब देखना ध्यान से, ये जो 2 है ना ये ऊपर आ जाएगा, कहाँ चुका है ये ऊपर, और नीचे क्या रहेगा 7, और x^7/2 प्लस का साइन। चलो इस लाइन को यहाँ पर देखना, इस लाइन को यहाँ देखो बच्चों, 3 लिखो ऐसे का ऐसे,
ये जो टू है ना, ये कहाँ पे आ जाएगा, एक्स के पास, और सेवन रहेगा नीचे प्लस का साइन। फिर से ये वाला टू कहाँ पे आ जाएगा, एक्स के पास, तो टू मल्टीप्लाई टू एक्स की पावर फाइव अपॉन टू, और ये वाला फाइव कहाँ पे रहेगा, नीचे, देखो ये वाला फाइव जो है, ठीक है, वो उसके नीचे ही है, पूरे के नीचे, यहाँ पे प्लस का साइन। ये टू कहाँ पे आ जाएगा, एक्स के पास, ये भी गया एक्स के पास, कितना है, थ्री अपॉन टू, और ये थ्री कहाँ रहेगा, नीचे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स अपॉन सेवन एक्स की पावर सेवन अपॉन टू, प्लस टू टू जा फोर एक्स की पावर फाइव अपॉन टू अपॉन फाइव, प्लस थ्री से थ्री क्या हो गया, कैंसिल, तो टू एक्स की पावर थ्री अपॉन टू प्लस सी। अब इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तो यही इसका आंसर है। एक बार आंसर हम इसका चेक भी कर लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन था ये, 15, एक्सरसाइज 7.1 का 15। इसमें जो है ना अंडर रूट जो आया है, तो हम देखो आंसर इसका चेक कर रहे हैं 15 का, ये देखो देख सकते हो, 6 अपॉन सेवन एक्स सेवन अपॉन टू फोर अपॉन फाइव, हाँ यही आंसर है, एकदम करेक्ट है। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे यहाँ पे 18 क्वेश्चन, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 एक बार आप पढ़ लीजिए, क्या है बुक में, sec x प्लस टेन एक्स, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है वो। क्वेश्चन नंबर 18 देखना, ये है हमारे पास sec x और sec x प्लस टेन एक्स, और ये क्या है, डी एक्स। देखो बच्चों, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो ध्यान से देखना, अब इस सेक के ना अंदर इंटू कर दो तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स के अंदर इंटू कर दो क्या हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स। देखो कुछ नहीं किया, सेक एक्स ने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, सेक के सेक में सेक स्क्वायर एक्स, सेक के टेन में सेक एक्स टेन एक्स, सेक अभी से अलग अलग कर लो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को अलग कर लो, प्लस सेक एक्स और टेन एक्स डी एक्स को हमने अलग कर लिया। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मैंने आपको लिखवाया हुआ है फॉर्मूला इंट्रोडक्शन में, क्या होता है, टेन एक्स, भाई इसका इंटीग्रल टेन एक्स हो गया प्लस, और सेक एक्स टेन एक्स को मैंने आपको लिखवाया था, याद करो, जब मैं कह रहा था कि आगे वाला ही हो जाता है तो सेक एक्स ही हो जाएगा प्लस सी, ये क्या हो गया इसका आंसर। तो देखने में थोड़ा अजीब क्वेश्चन था, बट है बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 19 देखेंगे हम, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर है डी एक्स। देखो बच्चों सुनो, ये क्वेश्चन ना सेक और कोसेक की फॉर्म में है, तो इसको हम सोल्व करेंगे, साइन को से ब्रेक कर दो। तो भाई देखो, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, और कोशेक को लिख सकता हूँ वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। फॉर्मूले होते हैं ना ये, टेंथ क्लास में आपने पढ़े होंगे फॉर्मूले, साइन स्क्वायर एक्स कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये बन जाएगा इसके पास कोस के पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस ही तो आएगा। और अब देखो ध्यान से, साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा बच्चों, टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ, देखो यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स हो गया। अब मैं ना टेन एक्स स्क्वायर एक्स का कोई मैं इंटीग्रेशन नहीं जानता, बट मैं उसको ब्रेक कर सकता हूँ। ब्रेक किससे करूँगा, मैं जानता हूँ टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और फटाफट से इसको अलग अलग कर दीजिए, अब वन डी एक्स को अलग कर दिया, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स एक्स डी एक्स क्या होगा, इसका समाकलन मतलब इंटीग्रेशन क्या होगा, हिंदी में ना इसको समाकलन बोलते हैं, तो टेन एक्स हो गया, और वन का क्या होगा, एक्स, प्लस सी आंसर। क्वेश्चन नंबर अब आपका एक लास्ट बचा है इसमें 20, पहले हम जो है ना एक बार ज़रा आंसर चेक करें 19 का, 7.1 का 19 लास्ट क्वेश्चन है, आप उसको एक बार ट्राई कीजिए, बाकी मैं उसको कराता हूँ। हाँ यही आ रहा है, देखो टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, यही है। चलो 20 क्वेश्चन करता हूँ मैं, तो उसको रफ करके ना स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20। टू माइनस थ्री साइन एक्स, रोक दो इसे, पता ही क्यों, गीले कपड़े से रफ किया है ना, हाँ वो कपड़ा था गीला। क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने जो है ना बोर्ड पे ना मतलब गीला कपड़ा मार दिया गलती से, तो मारकर चलना बंद हो गया था। तो 20 क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। देखो 20 क्वेश्चन में 2 माइनस थ्री साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ध्यान से देखना बच्चों, अब ये जो कोस स्क्वायर एक्स है ना, इसको अलग अलग लिखो। अलग अलग लिखने का मतलब क्या है, इसको हम 2 के नीचे भी लिखेंगे और इस वाले पोर्शन के नीचे भी लिखेंगे, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा बच्चों कि जब नीचे का एलसीएम सेम होता है तो ऊपर का ऐसी आता है। जब नीचे का एलसीएम सेम होता है ना, वो आता है वन टाइम, देखो वन टाइम ही तो लिखा हुआ है, और ऊपर का सेम होता है ऐसे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको मैं कैसे चेंज करूँगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन। यहाँ देखना बच्चों ध्यान से, थ्री हाँ इस वाले कोस एक्स को ब्रेक करो, एक बार तो लिखो इसको इसके नीचे, एक बार लिखो वन के नीचे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चलेगा। दोबारा देखो ध्यान से, ये कोस है ना इसको मैंने ब्रेक कर दिया, क्योंकि वहाँ पे ना साइन स्क्वायर में नहीं है, सिंगल में है वो, तो साइन अपॉन कोस क्या बन जाएगा, टेन। और जो इसका एक कोस बचा था उसे मैंने वन अपॉन, वो क्या बन जाएगा, सेक, फॉर्मूला बन जाएगा वहाँ से। अब देखो ध्यान से, टू वन अपॉन कोस क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस थ्री साइन अपॉन कोस क्या होगा, टेन एक्स, वन अपॉन कोस क्या होगा, सेक एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखो अब इनको अलग अलग कर लो, टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को मैंने अलग किया और माइनस थ्री टेन एक्स सेक एक्स को यहाँ पे हमने अलग कर दिया। अब देखो ध्यान से, टू आ गया बाहर, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस थ्री आ गया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, टेन एक्स सेक एक्स और डी एक्स। ध्यान से देखना, हो गया बस ये लास्ट चल रही है लाइन। अब टू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, बार बार आ गया, कई बार आ चुका है क्वेश्चन में, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आ जाएगा, ये होता है टेन एक्स थ्री। और टेन एक्स सेक एक्स क्या होता है, मैंने बताया था ना सेक एक्स टेन एक्स याद करो, आगे वाला ही हो जाता है, तो यहाँ पर ये सेक एक्स है ना यही हो जाएगा प्लस सी, बस ये हो गया आंसर। तो बच्चों 7.1 तो हमारी कंप्लीट हो गई, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं 10 या 12 क्वेश्चन है, देखना आप इनकी प्रैक्टिस कर लो, और बार बार चीज़ें रिपीट भी हो रही हैं इनके बीच बीच में, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम 7.2 स्टार्ट करते हैं। बच्चों मार्कर में जरा इंक डाल लें, मार्कर काम नहीं कर रहे सही से। तीन चार मार कर रखा करूँगा आगे से एडवांस में, बाकी भाई इनकी नहीं डलेगी तो फिर काम कैसे होगा। बच्चों सुनो मेरी बात, अब मैं आपको ना 7.2 कराने वाला हूँ, और 7.2 का ध्यान रखना, इसमें 7.1 से अलग है, फॉर्मूले वही काम आएंगे। देखो इसमें चार फॉर्मूले हैं स्टार्टिंग में, जो हमें प्रूफ करने एग्जाम में आ सकते हैं वो, ठीक है। उसमें से दो मैं कराऊंगा, दो आपको खुद करने हैं, कौन से मैं बोर्ड समझाने वाला हूँ आपको। फिर जब हम एक्सरसाइज पाएंगे ना, तो इसमें ना सब्सटीट्यूशन यूज़ होता है, सब्सटीट्यूशन मेथड इसमें यूज़ होगा। उसमें कोई हमें फंक्शन दिया होता है नीचे या ऊपर वाले को टी मानना होता है, तो ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, मैं क्वेश्चन करूँगा ना जब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बच्चों, देखो वो जो चार फॉर्मूले हैं ना, पहले मैं आपको वो बता दूँ, उसमें से एक आ सकता है एग्ज़ाम में। तो देखो चार में से एक आ रहा है, तो ये तो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ पता चल रही है ना। यहाँ पे देखना, अब सबसे पहला जो होगा ना वो होगा टेन एक्स डी एक्स, ये हमें प्रूफ करना होता है, क्या लॉग सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करें तो वो होगा, इसी का सेकंड क्या होगा, कोट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स प्लस सी। थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला देखेंगे,
थर्ड वाला है sec x dx इज इक्वल टू log sec x प्लस tan x प्लस c। फोर्थ वाला cosec x dx इज इक्वल टू log cosec x माइनस cot x प्लस c। देखो बच्चों ये चार फॉर्मूले हैं, अब सुनना ध्यान से, मैं आपको ना फर्स्ट और थर्ड करा रहा हूँ, क्योंकि देखो मतलब tan x अगर मैं ये वाला कराता हूँ आपको तो इजीली cot x आप आसानी से कर सकते हो अपने आप, उसी के जैसा है बिल्कुल, इसलिए मैं इन दोनों में से फर्स्ट वाला करा रहा हूँ और नीचे थर्ड और फोर्थ में से थर्ड वाला करा रहा हूँ, क्योंकि मैं थर्ड वाला कराऊंगा ना बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है इसमें, तो एक आपको अपने आप करना है। तो मैं फर्स्ट वाला स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे। देखो बच्चों फर्स्ट वाला मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, tan x dx मैंने ले लिया, मैं ना ये लेकर आऊँगा, देखना ये मुझे लेकर आना है। तो कैसे लेकर आएंगे, सबसे पहली बात tan x को लिख सकते हैं हम sin x अपॉन cos x, ठीक है, sin x अपॉन cos x जैसे मैंने इसको लिखा ना, और लिखने के बाद यहाँ पे dx भी लिख दो। देखो अब देखो ध्यान से, सब्स्टिट्यूशन जो मैं बता रहा था ना वो क्या होता है, सुनो मैं ना यहाँ पे cos x को t मान रहा हूँ, पहले देखना तब समझ में आएगा, लेट cos x इज इक्वल टू t, ठीक है। अब मैं इसका ना डिफरेंशिएशन करूँगा, हमें ना किसी एक को t मानना होता है, अगर मैं इसको t मानता हूँ भाई cos x का डिफरेंशिएशन sin x ही तो होता है, ठीक है, तो t हो जाए, मैंने यहाँ पे t लेट कर लिया इसको। अब देखो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos x का हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो ऐसे इस तरीके से लिख के दिखा दो आप एक बार, और इसका करेंगे तो d अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा t, d अपॉन डी एक्स cos x क्या होगा माइनस साइन x। cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ मैं, वो क्या होगा माइनस का साइन x, और ये क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। तो ध्यान से देखो इस dx को ना यहाँ भेज दो, आप भेज दो इसको साइन x के पास, तो ये हो गया। अब मैंने इस चीज़ को यहाँ पुट करूँगा, देखो अपने क्वेश्चन में ध्यान से देखते जाओ बस आप भाई, देखो डी एक्स साइन एक्स, डी एक्स साइन एक्स यहाँ पे है, डी एक्स साइन एक्स यहाँ पे है, क्या है वो डी टी, पहले तो इसकी जगह पे डी टी लिखो, दोबारा सुनो डी एक्स साइन एक्स, डी एक्स साइन एक्स क्या है इसकी वैल्यू डी टी, यहाँ माइनस आ रहा है तो आप यहाँ माइनस लगा दो, और नीचे वाले को मैंने क्या माना था टी, देखो ये रहा कोस एक्स को मैंने क्या माना हुआ है टी माना हुआ है। अब देखो मैंने यहाँ से ये माइनस तो बाहर लिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन टी डी टी, और वन अपॉन टी क्या होता है बच्चों इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस सी। अब देखो ध्यान से यहाँ वैल्यू पुट करो टी की, क्या माना था मैंने टी कोस एक्स, देखते जाओ बच्चों अच्छे से, ठीक है कोस एक्स हो गया। अब यहाँ एक चीज़ देखो, यहाँ माइनस के पास कोई डिजिट नहीं है ना, अगर मैं यहाँ ऐसे करके वन लगा दूँ, सॉरी मैंने डबल वन लगा दिया, एक ही वन आएगा, ठीक है माइनस वन मल्टीप्लाई लॉग कोस एक्स प्लस सी। देखो अगर लॉग की इंटू वन में करूँगा तो लॉग की वन में इंटू करूँगा लॉग ही तो आएगा, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ऐसा ही रहेगा। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है बच्चों, देखो माइनस सॉरी माइनस नहीं लिखेंगे, एन लॉग एम क्या होता है ये लॉग एम की पावर एन, अगर ऐसी फॉर्म में कुछ होगा ना तो ये एन जो होगा यहाँ पे जो होगा वो ऊपर आ जाता है m के पास पावर में। अब इसकी कंपेयर ना यहाँ करो n log m, तो n को कहाँ पे जाना चाहिए m के ऊपर अकॉर्डिंग टू वो वाला फॉर्मूला। तो ध्यान से देखो log cos x और ये क्या होगी पावर माइनस वन, इस वन को आप लिखो चाहे मत लिखो लेकिन हाँ माइनस वन यहाँ दिखाना पड़ेगा। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई है, कोई भी पावर अगर ऊपर माइनस में होती है तो वो नीचे आके किस में हो जाती है ऑटोमेटिक प्लस में हो जाती है, ठीक है ऑटोमेटिक किस में हो जाती है प्लस में हो जाती है। अब देखो थोड़ा ऊपर लिखता हूँ मैं, ठीक है यहाँ देखना ये वन अपॉन कोस एक्स क्या हो जाएगा सेक एक्स। तो बच्चों आप मुझे एक चीज़ बताओ, हमने फर्स्ट वाला किया ये वाला टेन एक्स डी एक्स का प्रूफ करना था लॉग सेक एक्स, तो पूरा प्रोसेस ये रहा जो मैंने आपको समझाया लास्ट में, देखो आ चुका है वो, ठीक है आर एच एस आ गया है। तो इसका जो कोट एक्स है वो आपको अपने आप करना है। अब मैं आपको सेक एक्स थर्ड वाला बता रहा हूँ, फिर फोर्थ वाला आप अपने आप कर लोगे, यहीं समझा देता हूँ। देखो बच्चों थर्ड वाला पहले इसमें देखो है कहाँ पर, ये रहा
ये है हमारे पास sec x dx, देखो ये है थर्ड वाला, ठीक है, sec x dx है, ये मुझे प्रूफ करना है, तो मैं डायरेक्ट इसे लेके चल रहा हूँ। अब ध्यान से सुनना, मैं अपने पास से ना इसमें किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और किसी चीज़ से डिवाइड कर रहा हूँ, वो चीज़ है क्या, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों sec x प्लस टेन एक्स है, तो मैंने इंटू कर दी, और sec x प्लस टेन एक्स से मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ वो आपको अभी पता चलेगा। देखो अब देखना ध्यान से, इसकी ना नीचे वाले को ना आप नीचे वाले को t मान लो, sec x प्लस टेन एक्स को मैंने क्या मान लिया, t। ये जो हम t मान रहे हैं ना, ये तो सब्सटीट्यूशन होता है चीज़ों को बदलना। अब देखो ये मैंने t मान लिया, तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जिसको भी t मानते हैं उस लाइन का ना डिफरेंशिएशन करते हैं, तो करो डिफरेंशिएशन, डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा sec x प्लस डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा टेन एक्स इजिकल टू डी अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा टी। यहाँ देखो डी अपॉन डी एक्स sec x क्या होता है टेन एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन है, और इसका क्या होगा sec स्क्वायर x, क्या होगा इसका, नहीं इसका जो होगा ना बच्चों देखो इसका, तो देखते हैं जरा एक बार बुक में इसमें क्या दिया हुआ है, sec x tan x प्लस, देखो इसका तो sec x का जो ये जो ये तो हमारा होगा tan x, और tan x जो है ये हमारा होगा sec x प्लस tan x, और ये हमारा हो जाएगा dt टी अपॉन डी एक्स। तो ना मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, जब यहाँ sec x है, sec x का होगा sec x tan x, और बच्चों tan x का क्या होगा sec स्क्वायर x। अब ये सही है, अब यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। अब इन दोनों में ना sec x क्या आ जाएगा कॉमन, तो देखो sec x तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा tan x। अब ये दो हैं sec स्क्वायर, दो स्क्वायर में एक तो आ गया बाहर, तो एक कहाँ बचेगा अंदर, और इस dx को यहाँ ले आओ, ठीक है भाई। अब मैं इसे अपने फॉर्मूले में पुट करूँगा, पर ध्यान से देखो dx sec x tan x और sec x, ये रहा dx sec x tan x और sec x पूरा है ना ऊपर मिलता हुआ, तो वो क्या है मेरा dt, तो लिख दो वहाँ पे dt अपॉन, इसको मैंने क्या माना है बच्चों t। दोबारा देखो जो dx sec x प्लस tan x sec x है ना, सेम ये चीज़ ऊपर है, देखो dx sec x प्लस tan x sec x, और इसकी वैल्यू क्या है dt, तो dt पुट कर दो वहाँ पे, नीचे वाले को मैंने क्या माना था t, तो ये रहा t, और आप जानते हो ये इसे ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन टी डी टी। तो यहाँ देखना वन अपॉन टी क्या होगा बच्चों लोग टी क्या होगा, और टी की यहाँ वैल्यू पुट कर दो, क्या था टी, ये रहा sec x प्लस tan x, इसी को तो हमने टी माना था। तो बच्चों देखो ये थर्ड वाला भी मैंने आपको करा दिया और प्रूफ हो गया एकदम सही आ गया है। अब फोर्थ वाला अब आपको खुद करना है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छी है 7.2 एक्सरसाइज, और मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपको अगर कुछ समझना आए तो। ये वाले जो दो हैं ना बच्चों सेकंड और फोर्थ वाला, अच्छे बच्चे होंगे तो तुम कर लोगे खुद ही। एक्सरसाइज 7.2 निकाल लो आप सभी, पीछे आप लोग भी देखते रहो चुपचाप, और 7.2 निकाल लो, है ना, आवाज़ नहीं करेगा कोई भी। बच्चों देखो यहाँ पर एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 37। 37 इसमें क्वेश्चन है, एक से लेकर 37 तक है, बट हम मेन करेंगे, तो शुरू के दो तीन तो कराने पड़ेंगे। देखो पहला क्वेश्चन देखना, अब आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कह रहा है इसका इंटीग्रेशन करो, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा dx, ठीक है बच्चों। देखो मैं नीचे वाले को क्या मान रहा हूँ t, नीचे वाले को t माना मैंने बताया, जिसको t मानेंगे उसका क्या करते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। और एक बात और सुनो, नीचे वाले को ही क्यों माना t, सुनना, जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये 2x बन जाएगा, वो जो मुझे ऊपर मिल जाएगा ना, ये मेरी हेल्प करेगा देखना अभी। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ ना, वन का करो और प्लस एक्स स्क्वायर का करो, और ये हो गया डी अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा टी। देखो बच्चों वन का तो जीरो होगा, एक्स की पावर एन क्या होता है एन, एक्स की पावर एन माइनस वन, तो ये हो गया डी टी अपॉन डी एक्स।
डिटेल बता रहा हूँ मैं आपको, इसे जीरो को तो हटा दो, अब ये भी हट जाएगा, प्लस भी देखो दो में से एक जाएगा, एक ही तो बचेगा। अब एक्स के ऊपर पावर वन लिखो या मत लिखो कोई बात नहीं, देखो टू एक्स आ गया ना, देखो मुझे मिल जाएगा, और इस डी एक्स को यहाँ भेज दो। अब चलो पहले एक लाइन यहाँ पे लिख लो, अब भेजो, ये डी एक्स आ गया टू एक्स के पास आ गया ना, तो जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे, उसे ध्यान से देखना ऊपर, ये रहा डी एक्स टू एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डी टी होगी ना, डी टी बच्चों। अब देखो नीचे वाले को मैंने क्या माना था, टी, इसको ऐसे लिख दो, वन अपॉन टी डी टी, वन अपॉन टी क्या होगा बच्चों, लॉग टी, बस यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दो, लॉग टी लिख के ना प्लस सी कर देना, यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करो क्या होगी, क्या माना था हमने टी, ये रहा वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही इसका आंसर है। तो इसमें टी मानते हैं और फटाफट से करते जाते हैं, ठीक है। डाउट है क्या कुछ तुम्हारा, नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखना बच्चों, लॉग एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या है एक्स, इस तरीके से आपको दिया है सेकंड क्वेश्चन, तो इसको लिखो पहले इंटीग्रेशन के अंदर लिखो। अब ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं लॉग एक्स को टी मानता हूँ तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन अपॉन एक्स, तो मुझे ऑटोमेटिक देखो वन अपॉन एक्स मिल जाएगा ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, और जैसे ही टी मानते हैं उसके तुरंत बाद शुरू कर देते हैं वही डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स टी, लॉग एक्स का क्या होगा बच्चों, वन अपॉन एक्स, ये क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स को भेज दो यहाँ पर वन के पास, ठीक है। अब ध्यान से देखना, डी एक्स अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन एक्स क्या बन गया, डी टी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, डी टी किसकी, डी एक्स अपॉन एक्स की हुई है ये डी टी। अब ये जो लॉग है इसको तो मैंने टी माना हुआ है ना, इसको टी लिखो, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। अब देखो इंटीग्रेशन में क्या है, टी की पावर टू यानी एक्स की पावर एन, तो क्या होता है फॉर्मूला, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन यानी टी की पावर थ्री अपॉन थ्री, और टी की वैल्यू पुट कर दो क्या था, टी लॉग एक्स, तो बच्चों लॉग एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस सी आंसर, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर लिया, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कराता हूँ मैं आपको, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस कुछ इस तरीके से दिया हुआ है ये क्वेश्चन, चेक करते हैं एक बार, नहीं यहाँ पे प्लस नहीं है, ठीक है, एक्स लॉग एक्स है, इसको पहले मैंने इंटीग्रेशन में लिखा एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। अगर इस क्वेश्चन को जब आप करोगे ना तो आपको याद आना चाहिए कि सर क्या कर रहे थे, देखो मैंने यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया तो ये तो आ गया बाहर, यहाँ पे क्या बचेगा वन प्लस, ये एक्स तो बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा लॉग एक्स, ये क्या हो गया डी एक्स। देखो ध्यान से, अब मैं ना वन प्लस लॉग एक्स को टी मानूंगा, कि लॉग एक्स को टी मानूंगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन अपॉन एक्स होगा तो मुझे मिल जाएगा ना वो, तो यहाँ पे लिखो लेट वन प्लस लॉग एक्स इजिकल टू टी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वन को क्या आएगा जीरो, और लॉग एक्स का क्या होगा वन अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। इस बार मैंने तुम्हें ऐसे नहीं दिखाया करके, देखो बच्चों ऐसे नहीं दिखाया करके, ऐसे आप खुद कर लेना, बस मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट वन का जीरो लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स डी टी अपॉन डी एक्स, इस डी एक्स को यहाँ भेज दो, वन से इंटू करोगे तो यही रहेगा, देखो डी एक्स अपॉन एक्स, डी एक्स अपॉन एक्स क्या है डी टी, ये रहा डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स अपॉन एक्स क्या है डी टी, तो मैंने लिखा उसको डी टी, और देखो वन अपॉन भाई जो वन अपॉन एक्स डी एक्स था ना, ये रहा वन अपॉन एक्स डी एक्स, ये तो बन गया मेरा डी टी, बट नीचे भी तो था कुछ, ये मेरा क्या था टी, ठीक है बच्चों, ये नीचे जो था ना वन प्लस लॉग एक्स, ये मेरा क्या था टी, तो इसको नीचे लिखूंगा ना मैं इसकी जगह पे, वन अपॉन टी क्या होगा लॉग टी, और टी की वैल्यू पुट कर दो बच्चों क्या है वन प्लस लॉग एक्स प्लस सी आंसर। चलो यहाँ तक नोट करो, वैसे एक क्वेश्चन साइड में आ सकता है, अब कौन सा चलेगा, थर्ड हो गया, उसके बाद देखना फिफ्थ, मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन के अंदर लिख रहा हूँ, ए एक्स प्लस बी साइन ए एक्स प्लस बी,
और फिर क्या है हमारे पास कोस ए एक्स प्लस बी। यहाँ देखो बच्चों ध्यान से, अब ये देखो क्या बनना है, साइन एक्स कोस एक्स, ये तो कोई फॉर्मूला नहीं होता। अगर मैं यहाँ टू लगा दूँ ना इसके आगे टू, तो टू साइन एक्स कोस एक्स, साइन टू एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगर मैं टू से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख सकते हो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय टू। तो आप लिख लेना, मैं यहाँ पर सीधा आपको बता रहा हूँ। देखो मैंने बच्चों यहाँ पर टू से तो इंटू कर दी, ये आ गया, मैंने टू लिख रखा है ना, ये इंटू में इनके साथ, और डिवाइड भी कर दी ये लो, ठीक है। टू साइन एक्स कोस एक्स क्या होगा, साइन टू एक्स, यानी टू एक्स का काम कौन कर रहा है, ए एक्स प्लस बी, और अपॉन में टू मेरे पास चल ही रहा है। अब मैंने यहाँ पे लेट करूँगा ये पूरा जो पोर्शन है ये वाला, टू ए एक्स प्लस बी को मैंने यहाँ पे टी कर दिया, इस टू के ना अंदर इंटू कर दो, टू ए एक्स प्लस टू बी। अब करो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टू ए एक्स प्लस टू बी, यहाँ लगाओ डी अपॉन डी एक्स टू ए एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स टू बी इजिकल टू डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ देखो अब टू ए तो कहाँ जाएगा बच्चों, बाहर, और एक्स का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन। देखो ये टू ना बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा बी, तो उसका तो जीरो होगा, तो वो टू को भी जीरो बना देगा, तो ये तो डायरेक्ट ही जीरो हो गया, डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ देखो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा वन, जीरो तो अपने आप हट जाएगी, डी टी अपॉन डी एक्स, ये हो गया टू ए डी टी अपॉन डी एक्स। इस डी एक्स को यहाँ पे ले आओ, लिया है बच्चों। अब देखना ये जो डी एक्स है ना, ये जो डी एक्स है इसकी वैल्यू निकालूंगा मैं यहाँ से, ये जो 2a है ये कहाँ पे आ जाएगा, dt के नीचे आ जाएगा, ये आ गया डिवाइड में। एक लाइन और लिखते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ कराएंगे ऊपर। देखो dx को देखना पहले, ये है dt अपॉन 2a, तो भाई ये तो dt अपॉन 2a बन जाएगा, ऊपर वाला क्या बनेगा, और देखो साइन लिखो पहले, साइन लिख लिया, ये जो इसके ऊपर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये जो है, ये तो मैंने t माना हुआ है, ये रहा देखो t लिख लो, अपॉन में टू ये वाला लिख लो जो इसका अपना है। अब मैं डी एक्स की वैल्यू पुट करूँगा, क्या है बच्चों देखो डी टी अपॉन टू ए, तो यहाँ पे लिखो डी टी और नीचे लिख दो यहाँ पे टू ए, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ देखना अब इसको आगे, ठीक है। थोड़ा सा बचा, यहाँ देखो ये है साइन टी, देखो टू टू जो फोर ए हो गया, और ये क्या हो जाएगा डी टी। पहली बात तो फोर ए को बाहर लो, तो वन अपॉन ए फोर ए तो बाहर हो गया, अंदर क्या बचेगा साइन टी। और मैंने आपको बताया है कि जो साइन टी है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस का कोस टी प्लस सी। जैसे इंटीग्रेशन हो जाए टी की फॉर्म में होने दो, तुरंत सी लगा दिया करो, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल होता है वो, वन अपॉन फोर ए। टी की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, क्या था हमारा टी, ये रहा टू ए एक्स प्लस बी प्लस सी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस के वन अपॉन फोर ए कोस टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है बच्चों, ये हो गया आंसर। हाँ भाई लास्ट आंसर चेक करो, फटाफट चेक करो, गलत हुआ तो तुम ही पिटोगे, ध्यान रखना गलत हुआ तो तुम ही पिटोगे, चेक करो आंसर फटाफट, फिर आगे करते हैं। कैमरे में वीडियो क्वेश्चन नंबर अब स्टार्ट होगा, ये वाला हमने कौन सा किया था बच्चों, फाइव किया था, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन। और एक बात और सुनो ध्यान से बच्चों, यहाँ ना पीछे कोई नहीं बैठा, पूरा रूम खाली है, वो थोड़ा मतलब हंसी मजाक के लिए चल रहा है, कोई नहीं है, पूरा रूम खाली है, कोई नहीं पिटने वाला यहाँ पर, ठीक है ना, वो ऐसी मजाक चल रहा था, ये मैं आप लोगों को ही बोल रहा था इनडायरेक्टली। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है हमारा, ये x और x प्लस टू, एक मिनट जरा मैं ये शर्ट उतार दूँ क्योंकि गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। ऐसा है ना, पढ़ाते पढ़ाते गर्मी लग गई, देख रहे हो, रेस लगाते हैं कहीं पे, दौड़ रनिंग करते हैं तब तो बात अलग है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेवन।
क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। एक्स रूट में एक्स प्लस टू, अब देखो इसको हम कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन कुछ तो ऐसे होता है देख के डर सा लगता है, इन्हें देख के यार पता नहीं इसमें क्या होगा। हमने इसको पहले इस फॉर्म में बना लिया, ठीक है, डी एक्स लिख लो, लिखा सॉरी। अब देखो यहाँ पे लेट किया मैंने एक्स प्लस टू को ना बच्चों, मैंने टी मान लिया, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू मैं क्या करूँगा, एक्स करूँगा। तो डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स टू और डी टी अपॉन डी एक्स। देखो एक्स का तो बच्चों 1 होगा, 2 का क्या हो जाएगा 0, और 1 में 0 ऐड करोगे तो यही आएगा डी टी अपॉन डी एक्स। देखो इस डी एक्स को ना यहाँ भेजो 1 के पास, तो मैंने यहाँ पे क्या देखा बच्चों, जो मेरा डी एक्स है ना वो तो डी टी के इक्वल हो गया, और एक्स प्लस टू मेरा क्या हो गया टी हो जाएगा, तो ये तो टी हो जाएगा ये डी टी हो जाएगा, तो मैं इसका क्या करूँ भाई, इसका भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से ना मैं एक्स की ना इसकी वैल्यू निकालूंगा, ध्यान से देखना। अब ये प्लस का टू यहाँ आएगा तो माइनस का, किसका हो जाएगा बच्चों ये माइनस का, तो अब मैं वहाँ वैल्यू पुट कर सकता हूँ। ध्यान से देखना इस वाले एक्स की वैल्यू क्या है, टी माइनस टू, इस वाले एक्स की टी माइनस टू थी वैल्यू, और इसको देखना ये मैंने क्या लेट किया है बच्चों, ये रहा टी, तो रूट में टी हो जाएगा, और डी एक्स मेरा क्या हुआ है डी टी, ठीक है। चलो अब हम इसको ना सोल्व करेंगे, तो देखो ध्यान से देखना बच्चों, ये है मेरा टी माइनस टू, इस रूट टी को लिख सकता हूँ मैं टी की पावर 1/2, टी की इंटू टी की पावर 1/2 से करूँगा देखना, मतलब इसको अंदर ऐसे लिख लो आप, और टू के साथ भी इसको ऐसे लिख लो 1/2, ये क्या हो गया डी टी। यहाँ देखो ये क्या है टी की पावर 1, तो देखो जब बेस सेम होता है ना बच्चों तो पावर क्या हो जाती है प्लस हो जाती है, तो जब आप 1 में प्लस 1/2 करोगे, मैं वो पहले वाली वीडियो में ये चीज़ बता चुका हूँ, उनको देखो ध्यान से वहाँ क्लियर होगा, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 1 2 3/2 हो जाएगा माइनस, और इसको तो हम ऐसे रहने देंगे। अब आप एक काम करो बच्चों, इनको ना अलग अलग लिख लो, टी की पावर 3/2 डी टी को मैंने अलग किया माइनस 2 t की पावर 1/2 डी टी को मैंने अलग किया, t की पावर n क्या होगा बच्चों, n प्लस 1/(n+1) माइनस का साइन, 2 तो बाहर आ जाएगा, इसको ऐसे रहने दो। अभी यहाँ देखना 2 1 2 2 3 में प्लस होंगे तो क्या बनाएंगे 5/2, नीचे वाला भी 5/2 माइनस का 2, t की पावर क्या है 1/2, तो वही t की पावर n+1/(n+1) और ये क्या डी टी नहीं आएगा, अब तो प्लस का क्या आएगा c। ध्यान से देखो अब t की पावर 5/2, ये वाला 2 ना बच्चों ऊपर आ जाएगा तो 2/5 हो जाएगा ये माइनस, ये वाला 2 कहाँ पे, नहीं अभी नहीं, 2 1 2 2 में 1 ऐड करो कितना होगा 3/2, नीचे भी क्या होगा 3/2, 2 की पावर 5, देखो t की वैल्यू पुट कर दूं क्या, अब मैं t मैंने क्या माना था देखें यहाँ पे, ये रहा x प्लस टू, एक्स प्लस टू की पावर 5/2 माइनस, ये 2 कहाँ चला गया ऊपर, और t की पावर 3/2/3 प्लस c, एक्स प्लस 5 की पावर 5/2 माइनस, यहाँ देखो बच्चों 2 2 जो क्या हो गया 4, t की पावर 3/2, t की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, एक्स प्लस 2 है ठीक है 3/2 और नीचे क्या है 3 प्लस सी, यही इसका आंसर है। इस 3 को 4 के नीचे लिख लो या यहीं पर रहने दो आंसर। अब थोड़ा स्पीड से करेंगे बच्चों फटाफट, ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन कर देते हैं पहले आ जाएगा, ठीक है, छोटा सा एक बार मैं मार्कर जरा चेंज कर लूँ। देखो बच्चों ये मैंने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था, अभी ये हमने 7 किया है, अब हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। नाइन क्वेश्चन में क्या है, 4x+2 अंडर रूट में कितना है बच्चों, x² + x+1, इसको मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन में लिख दिया डी एक्स में। देखो अंदर वाले को ना ये जो रूट वाला है इसको मैं टी मान रहा हूँ, तो x² + x+1 = क्या माना मैंने इसको टी, तो डिफरेंशिएशन करेंगे x² का क्या होगा बच्चों 2x, x का क्या होगा 1, 1 का क्या होगा 0, ये क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, तो 2x+1, देखो ये 0 तो अपने हट जाएगी और डी एक्स आ जाएगा इसके पास। अब देखो अपने क्वेश्चन को देखना, मैं इस क्वेश्चन को बनाऊंगा, देखो यहां से ना 2 कॉमन लो आप,
चलो पहले लिख लो इसको एक बार, मैं यहाँ पे लिख के दिखा दूँ आपको क्वेश्चन, वरना आप कन्फ्यूज़ रहोगे कि ये कैसे आ गया। अब देखना ध्यान से, यहाँ से मैंने दो कॉमन लिया तो चार में से दो तो बाहर आ गए, दो कहाँ बचेंगे अंदर, यहाँ क्या बचेगा वन। और इसको देखना ध्यान से बच्चों, ये मैंने क्या माना हुआ है यहाँ पे टी, अभी डी एक्स अभी मत पुट करो, चलो अभी एक साथ पुट करेंगे देखना। देखो बच्चों, डी एक्स और टू एक्स प्लस वन, डी एक्स और टू एक्स प्लस वन, ये रहा ये क्या है मेरा डी टी। चलो भाई वो तो डी टी, भाई टू ये वाला टू तो ऐसे ही रहेगा। इसको देखना पहले, इसको रूट में जो है इसको मैंने क्या माना है टी, तो इसको मैंने टी लिखा। और जिसको मैं अब सर्कल कर रहा था ना ऐसे करके, डी एक्स टू एक्स प्लस वन, ये मेरा क्या है डी टी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बना ये। अच्छा भाई रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन टू, हज़ार बार बता चुका हूँ। ठीक है, ये टू कहाँ पे आ जाएगा बाहर, टी की पावर वन अपॉन टू का क्या करूँगा मैं इंटीग्रेशन, आपको अच्छे से पता है क्या, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस का सी, तो ये हो जाएगा थ्री अपॉन टू, ये भी क्या हो जाएगा थ्री अपॉन टू प्लस सी। ये वाला टू कहाँ पे आ जाएगा ऊपर, टू मल्टीप्लाई टू अपॉन थ्री और टी की पावर थ्री अपॉन टू, तो ध्यान से देखो टू टू जा फोर अपॉन थ्री, और टी की वैल्यू पुट कर दो ये री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की पावर थ्री अपॉन टू और प्लस सी हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर नाइन भी हमारा हो गया, अब हम करेंगे टेन। वैसे बिन्नी आपको आना चाहिए रफ करने के लिए। दोस्तों देखो ये बिन्नी है, ये लड़का बहुत देर से इधर उधर घूम रहा है, तो मैंने इन्हें काम दिया है कि अब आप बोर्ड साफ कर दोगे। ठीक है, डस्टर दिखा दो, चलो डस्टर दिखा दो, हाँ गुड। चलो बच्चों अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टेन, वन अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स, और ये क्या हो गया डी एक्स। बच्चों ध्यान से देखना, थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना क्वेश्चन देखने में, अब मैं इसे गरीब सा बना दूंगा। देखो ये जो एक्स है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इस वाले क्वेश्चन को, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, भाई रूट एक्स ही रूट एक्स से मल्टीप्लाई करूँ, ये भी तो एक्स आएगा, तो ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ। अब इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, रूट एक्स, अंदर क्या बचेगा देखो, रूट एक्स एक तो बाहर आ गया, एक कहाँ बचेगा अंदर, ये तो यहाँ से बाहर आ गया ना, तो वहाँ क्या बचेगा वन, इक्वल में क्या हो गया डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, लेट रूट एक्स माइनस वन को मैंने टी मान लिया, तो इनका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स वन और डी अपॉन डी एक्स टी। यहाँ देखो अब ये जो रूट एक्स है ना, इसको मैं वन अपॉन टू लिख सकता हूँ, वे तो जीरो हो गया, ये हो गया डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ देखो ये डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन मत समझो, डिफरेंशिएशन है ये, एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो वन अपॉन टू, देखो टू वन जा टू, टू में से एक गया एक, यानी माइनस वन अपॉन टू बचेगा, करके देखना आप। अब ये माइनस का है, नीचे किसका हो जाएगा बच्चों, ये नीचे आके किसका हो जाएगा प्लस का, इस तरीके से भाई प्लस का हो गया ना वो नीचे आके, और अब क्या बन जाएगा ये रूट। दोबारा देखो, रूट को मैंने क्या लिखा, एक्स की पावर वन अपॉन टू, और लास्ट में भी क्या, एक्स की पावर वन अपॉन टू, दोबारा से मैं उसे रूट भी तो लिख सकता हूँ। अब इस डी एक्स को ना यहाँ भेज दो, तो डी एक्स अपॉन टू रूट एक्स इक्वल में क्या है डी टी। बच्चों ध्यान से देखो, क्वेश्चन में देखना हो तो डी एक्स और अपॉन रूट एक्स तो मेरे पास है, लेकिन ये टू यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको मैं वहाँ भेज देता हूँ, तो डी एक्स अपॉन रूट एक्स क्या हो गया टू डी टी। अब देखना ध्यान से, डी एक्स अपॉन रूट एक्स की वैल्यू क्या है टू डी टी, तो पहले तो इसे ही लिख दो ऊपर, ये हो गया टू डी टी अपॉन, ये जो अंदर मटेरियल है इसको मैंने क्या माना हुआ है टी, ये क्या हो गया बच्चों टी बस। अब टू को क्या लोगे बाहर, तो डी टी अपॉन टी, इसको लिख सकते हैं वन अपॉन टी, वन अपॉन टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग टी प्लस सी,
पी की वैल्यू पुट करो, क्या थी? रूट एक्स माइनस वन, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, टेन वाला भी हो गया बच्चों। अब हमें करना है इसमें 16 क्वेश्चन। अब जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ना, देखो 16, 17, 18, 19, 20, पांच क्वेश्चन, इसमें से एक तुम्हें एग्जाम में ज़रूर मिलेगा 100%, क्योंकि ई की फॉर्म में आ गए हैं और ई वाला ज़रूर आता है। कोई सही पेपर उठा के देख लेना, अगर ऐसा नहीं आएगा ना, इसके जैसा मिलता जुलता आएगा। तो ई की पावर 2x+3, ये इंटीग्रेशन, ये हो गया डी एक्स। बच्चों देखो, इसको क्या मान लेंगे हम, टी, जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का क्या हो जाएगा बच्चों, 2, और 3 का क्या हो जाएगा, 0, उसका क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स। तो 2 = dt/dx हो गया, इस dx को यहाँ भेज दो, तो 2 dx = क्या हो गया, dt। ठीक है, 2 dx = क्या हो गया, ये dt। तो मैं यहाँ पे देखना, इसको मैंने क्या माना है बच्चों, देखो ये, इसको मैंने माना है t, तो e की पावर क्या हो गया, t। अब dx की वैल्यू देखना, तो dx की वैल्यू के लिए मुझे इस 2 को ना वहाँ भेजना पड़ेगा, तो बच्चों ये वहाँ जाएगा डिवाइड में। डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई है अब, डी टी अपॉन 2, ये रहा डी एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी टी अपॉन 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस 1, इस 2 को ना आगे लिख दो 1/2 e की पावर t dt। अभी अच्छा लग रहा है देखने में, 1/2 कहाँ जाएगा बच्चों, बाहर। किसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, इसे यहाँ लिखो dt को, किसका इंटीग्रेशन करना है, e की पावर t का, e की पावर t का e की पावर t ही होता है, प्लस c, और e की पावर t को यहाँ पे लिख दो आप 2x+, क्योंकि देखो भाई t मेरा 2x+3 था ना बच्चों। ये हो गया आपका आंसर, 16 क्वेश्चन हो गया। अब करूँगा मैं 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे बच्चों। ये मैंने सोल्व करने की फॉर्म में लिख दिया है, देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखो लेट एक्स की पावर 2 = t मान लो, तो डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, 2x = dt/dx। ठीक है, इस dx को वहाँ भेज दो। अब देखो, जो मेरा x है ना, ये जो मेरा x है, xdx, यहाँ पे xdx है बच्चों, तो इस 2 को वहाँ भेजो भाई, जब भी तो xdx की वैल्यू निकलेगी। अब देखो xdx क्या है, dt/2, xdx मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, dt/2, और e की पावर जो x है, इसको मैंने क्या माना हुआ है, e की पावर, मतलब इसको मैंने क्या माना, एक्स स्क्वायर को टी, तो ये हो जाएगा e की पावर टी। अभी से सही से लिख के दिखा दूँ, देखो से ऐसे लिखेंगे 1/2 e की पावर टी और डी टी। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे 1/2 को ना पहले बाहर पहुँचाओ, ऐसे आ जाएगा अभी ये e की पावर टी, नीचे से ऊपर ले गए किस में जाएगी, माइनस में, ऊपर लेके माइनस की हो गया। अब देखो e की पावर x का तो वही होता है, e की पावर x ही तो होगा बच्चों, e की पावर x ही रहेगी, माइनस है तो माइनस ही रहेगी। और लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैंने क्या बताया था, x का जो कोफिशियंट है -1 है, वो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे, और प्लस c, तो 1, इस माइनस को यहाँ लगा दो आगे, -1/2 e की पावर, ये जो t है ना, t की वैल्यू क्या थी बच्चों, ये भी एक्स स्क्वायर, तो -x², ये इसका आंसर आ रहा होगा, चेक कर लेना आप। ठीक है, 18 देखो, e की पावर tan इनवर्स x/1+x², और ये हो गया dx। बच्चों ध्यान से देखना, tan इनवर्स जो x है ना, उसका अब उसका डिफरेंशिएशन 1/1 + x² होता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा इसको t, लेट कर लो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिख लेना, d/dx tan इनवर्स x, ये हो गया dt/dx। देखो बच्चों, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 + x², इस वाले dx को यहाँ ले जाओ, तो dx/1+x², ये क्या हो गया, dt। ध्यान से देखना, अब dx/1+x² क्या आ चुका है, dt, इसके जगह तो dt आ जाएगा, और इसको मैंने क्या माना था बच्चों, tan इनवर्स x को t, तो e की पावर क्या हो गई, t, और ये वाला मटेरियल जो है, जिसको मैं ये कर रहा हूँ, ये क्या बन चुका है, dt। ठीक है, अब आपको पता है e की पावर t का, तो e की पावर t ही रहेगा, तो बस प्लस c क्या हो जाएगा, e की पावर tan इनवर्स x प्लस सी आंसर। अब हम करेंगे बच्चों 19 वाला देखना, 19 वाला क्वेश्चन अच्छा है।
क्वेश्चन अब हम करेंगे बच्चों 19। तो 19 क्वेश्चन अच्छे से समझना। ए की पावर 2x माइनस 1, ए की पावर 2x प्लस 1, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में इसके आने के चांस हैं, और ध्यान से देखना हो। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आप ना ए की पावर एक्स इसको डिवाइड करो, तो आप खुद ही लिखना इस चीज़ को अपने आप, डिवाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ए की पावर एक्स, कुछ ऐसे लिखना आप, ठीक है। तो मैं यहाँ बता दूँ आपको, ए की पावर 2x माइनस 1 को मैंने ए की पावर एक्स से डिवाइड किया, और फिर मैंने नीचे वाले को भी देखो डिवाइड कर दिया बच्चों, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया देखो, अब इसको अलग अलग लिखो, यानी इसको इसके नीचे भी लिखो और इसको इसके नीचे भी लिखो, ऐसे नीचे वाले के साथ इसके नीचे भी लिखेंगे और 1 के नीचे भी लिखेंगे, ठीक है। देखो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप ना इसको ना ऊपर ले जाओ, तो ए की पावर 2x तो पहले से ही है वहाँ पे, और इनटू में ये ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, इसको भी ले जाओ ऊपर, ये भी माइनस का हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे देखो ए की पावर 2x, ये ना नीचे प्लस का, ऊपर जाएगा तो पावर किस में हो जाएगी, माइनस में, बीच में क्या है प्लस, नीचे ऊपर लेके जाओ ये भी किस में हो जाएगा, माइनस में dx। ऐसा हमने क्यों करा देखो, मैंने ना जब बेस सेम होता है तो वो आता है एक बार, तो पावर क्या हो जाती है ऐड। तो देखो मैं इसको रफ में साइड में करके दिखाऊं, यहाँ पे देखना ए की पावर 2x, ओहो टीटा क्यों लिख रहा हूँ मैं, ए की पावर 2x मल्टीप्लाई ए की, देखो बच्चों जब बेस सेम होता है उसे लिखते हैं एक बार, और पावर क्या हो जाती है प्लस, ये वाला x किस में था माइनस, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो ए की पावर एक्स ही बचा बच्चों, कितना बचा, तो मैंने फाइनली इसको देखा ये आ गया ए की पावर एक्स, और ये आ गया, ये तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे बच्चों ये भी सेम ही आएगा, ये हो गया मेरा डी एक्स। अब देखो मैं नीचे वाले को मानूंगा बच्चों टी, ए की पावर एक्स ए की पावर माइनस एक्स को लेट कर लो, इसको मैंने टी माना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ए की पावर एक्स का तो ए की पावर एक्स ही रहेगा, ई की पावर माइनस एक्स का ना ई की पावर माइनस एक्स ही रहेगा, लेकिन इसका जो एक्स का कोफिशियंट है माइनस वन वो कहाँ पे आएगा, नीचे। तो अब देखना ध्यान से, और ये क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, तो ये जो माइनस है ना ये इस प्लस से टकराएगा, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन डी एक्स, इस डी एक्स को यहाँ ले जाओ, उम्मीद करूंगा कि आपको ना अच्छे से समझ में आ रहा हो, ध्यान से सुनो देखो तभी समझ में आएगा। आप देखो ध्यान से, देखो डी एक्स और ये वाला जो चीज़ है, देखो यहाँ पे भी तो यही है ना, क्या बनेगा ये डी टी, तो मैं इसकी जगह क्या पुट कर रहा हूँ बच्चों डी टी, और नीचे वाला मैंने क्या लेट किया है देखो टी है ना, बस इसको ऐसे लिख लो 1/t dt, ऐसे लिख लो 1/t, क्या होता है बच्चों log t प्लस c, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ा ठंडा हो रहा है बच्चों बोर्ड बहुत ज़्यादा, टी की वैल्यू, टी मैंने क्या लेट किया था, ये रहा ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये क्या हो गया आंसर। तो 19 क्वेश्चन भी हो गया, अब हम करेंगे 20 क्वेश्चन ना मैं आपको देता हूँ करने के लिए, आप खुद करना, और जिस बच्चे का हो जाए कमेंट बॉक्स में मुझको बताना, पूछना मुझसे या फिर मेरे को बताना कि सर मेरा हो गया है, और जो मिस्टेक हो वो भी पूछ लेना। देखो ये लड़का बिन नहीं, पता नहीं जैसे ले कहाँ चला गया, बाहर घूम रहा है, मुझे दूसरे से साफ करना पड़ रहा है, इससे हो भी नहीं रहा। बिन्नी तुम डस्टर ले गए क्या, डस्टर कहाँ है फिर। चलो बच्चों अब देखो यहाँ पे, एक मैंने आपको होमवर्क दिया है क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि जो मैंने 19 कराया ना उसके जैसा ही है, तो आप उस पर ध्यान देना। अब मैं कर रहा हूँ बच्चों 23 क्वेश्चन, 23 में हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में 1 - x2। तो यहाँ बच्चों लेट करो, लेट 1 - x2 = t लेट कर लिया मैंने, ठीक है, नहीं सॉरी
साइन इनवर्स लेट करूंगा बच्चों मैं साइन इनवर्स एक्स को टी, क्योंकि पता है क्या साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो मुझे ये मिल जाएगा। देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा साइन इनवर्स एक्स का वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स को यहाँ भेज दो। तो बच्चों ध्यान से देखना डी एक्स अपॉन ये, डी एक्स अपॉन ये है ना सेम, क्या बन गया डी टी, और इसको मैंने क्या माना है बच्चों टी। भाई देखो साइन इनवर्स एक्स को मैंने टी माना, तो मैंने इसकी जगह पे टी लिख दिया, डी एक्स अपॉन ये मेरा डी टी बन गया, तो मैंने डी टी लिख दिया। इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो वन मान लो, तो वही एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, टी की पावर टू अपॉन टू प्लस सी। टी मेरा क्या था बच्चों साइन इनवर्स एक्स, और उसकी पावर क्या हो जाएगी टू अपॉन में क्या है टू प्लस सी। आंसर 23 के बाद क्वेश्चन आता है आपका 26, क्वेश्चन 26 देखेंगे अब हम, कोस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स और डी एक्स। यहाँ पे मैंने बच्चों लेट किया रूट एक्स को ना टी मान लो, तो डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे ना तो उसको पहले ऐसे लिखो, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स की पावर क्या है एन, तो क्या होगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन और डी टी अपॉन डी एक्स वन अपॉन टू। इसको सोल्व करोगे तो माइनस का वन अपॉन टू आएगा, और माइनस का वन अपॉन टू नीचे जाए किसका हो जाएगा बच्चों प्लस का, और वो प्लस का हो गया है तो क्या बन जाएगा बच्चों रूट, भाई रूट बन गया ना, अब ये वन अपॉन टू रूट ही तो होता है। डी एक्स को यहाँ भेज दो, यहाँ देखो मुझे डी एक्स की वैल्यू निकाल, डी एक्स अपॉन रूट एक्स ये रहा, डी एक्स अपॉन रूट एक्स ये रहा, डी एक्स अपॉन रूट एक्स, तो एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है फालतू में टू इस टू को वहाँ भेज दो, तो पूरी प्रॉपर डी एक्स अपॉन रूट एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। देखो निकल गई, अब मैं वहाँ पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना कोस को लिखो ऐसी, कोस के आगे क्या है रूट एक्स, उसको मैंने क्या लेट किया है टी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम टी, टी लिख दिया। अब डी एक्स अपॉन रूट एक्स क्या है मेरा टू डी टी, तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख देंगे हम टू डी टी। बच्चे देखो टू तो बाहर आ गया, तो कोस टी डी टी बचा। यहाँ देखना कोस टी हमारा क्या होता है, अगर डिफरेंशिएशन की बात करूँ कोस में होता है वो माइनस, तो यहाँ पे साइन टी रहेगा। इंटीग्रेशन में क्या होता है कोस टी का डिफरेंस, इंटीग्रेशन साइन टी प्लस सी। अब ये इनटू में है ठीक है, यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दो भाई, कोस टी का इंटीग्रेशन साइन टी हो गया, वैल्यू पुट करो क्या होगा, टी मैंने क्या माना था बच्चों ये रूट एक्स, तो बस ये हो गया टू साइन रूट एक्स प्लस सी आंसर। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है बच्चों, अगर और भी करवाने हो ना आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं और भी करा दूंगा, लेकिन मैंने अभी इंपॉर्टेंट छाटे इन्हीं की प्रैक्टिस पर ध्यान देना ज़्यादा, तो 34 करूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डैशर कहाँ गया बड़ा वाला, चलो बच्चों। ओहो ठंड भी तो बहुत हो रही है, देखो लास्ट क्वेश्चन करा दूं आपको फिर कुछ खाऊं मैं भी, भूख लग रही है। रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स कोस एक्स, और ये हो गया आपका डी एक्स। बच्चों मैंने इसमें एक चीज़ करूँगा, उसको ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आप ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो किससे कोस एक्स से, ऊपर भी कर दी और यहाँ पे आप नीचे भी कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। देखो बच्चों स्क्वायर से होगी क्या इनटू, मुझे लग रहा है बच्चों स्क्वायर से होगी, ठीक है स्क्वायर से होगी या एक्स से होगी देखते हैं। चलो यहाँ पे आ जाओ, देखो सिंपल एक्स से होगी मुझे लग रहा है। अब यहाँ देखो आप रूट टेन एक्स को तो ऐसे ही लिखो, देखो